कार्ड में लिखा जाता है कुछ और दिया जाता है रवाने दा ये रवाने दा पत्थर इकट्ठा मेरा रवाने दा जाता है प्रसिद्ध किया जाता है जिसको लेकर के हम लोग पाकिस्तान में 3 तारीख को आए थे। जीएसओ ने हम लोग को बुलाया था, सभी डीलर का सब लोग बैठक करेंगे। हाँ ठीक है सर, हाँ जी हमको बुलाएंगे। ठीक है सर, निरंतर आंदोलन के परिणाम स्वरूप पिछले सप्ताह इस वजह से जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी और पल्स काफी कम है, और सभी मांग पूरा करने का दिया, तभी जाकर के मैदान पर हम अपना अनशन को समाप्त करते हुए थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। दादा अगर ये मांग आपकी नहीं पूरी होती है तो आगे क्या करेंगे फिर? 10 दिन अभी 10 दिन टाइम दिए हैं। अभी तो हमारा अगर गरीब के हक अधिकार के शरीर को भी गवाना पड़े, त्याग देना पड़े तो कोई परवाह नहीं। और अभी भी हम मेडिकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। अगर बीएसओ साहब हमारा मांग को पूरा करते हुए सील सिग्नेचर नहीं देता तो हम 2 घंटे से मेडिकल की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट हो रहा था ट्रीटमेंट करने का, हम कोई ट्रीटमेंट अभी भी नहीं लेते, नहीं लेंगे। मरना पसंद करेंगे लेकिन हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, नहीं हम कुछ खाएंगे पिएंगे। आज मांग पूरा करने के कारण अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगला बार अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और फिर से आंदोलन को प्रभु रूप से निरंतर जारी रखेंगे। लेकिन जब तक जितना कार्ड में लिखा जाएगा उतना पूरा का पूरा राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ अब 3-4 दिन से बांटा जाता है, महीना का सोमवार छोड़ के 4 दिन छोड़ करके पूरा महीना बांटना है। और साथ ही साथ सभी लाभुकों को राशन के साथ रसीद देना होगा और संपूर्ण वजन देना होगा, तभी जाकर के हम यह लड़ाई को स्थगित कर सकते हैं। अन्यथा 10 दिन के बाद फिर हम लोग आएंगे यही ब्लॉक कार्यालय के सब। देवेंद्र दा, अभी क्या आपके हिसाब से अभी आप लोग को सफलता मिली जो आप लोग दिन भर अभी अनशन में बैठे? कैमरा के समक्ष ब्लॉक आपूर्ति पदाधिकारी सिंधी का लिखित रूप से हमारी मांगों को सील सिग्नेचर के साथ दिया है कि आपके बाद सभी डीलर सिंधी प्रखंड के जितना डीलर है सभी का सभी डीलर 4 दिन छोड़कर पूरा महीना भर बांटा जाएगा और कोई भी लाभुक का कार्ड उसके मर्जी के बिना ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ किसी भी लाभुक पर दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।